फ्रेश डेमोक्रेसी का और खास करके इलेक्शंस का काफी इम्पोर्टेंट पहलू है, काफी इम्पोर्टेंट रोल जो है आप उसमें अदा करते हैं, चाहे प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया है। खास करके प्रिंट मीडिया की जो डिफिकल्टी रहती है, नॉर्मली एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर तक आ गया तो फिर वो इस पर चढ़ता है और फिर नेक्स्ट दिन को प्रिंट में आता है, उसको मद्देनजर रखते हुए बेसिकली हमने ये जो है आपकी डिफिकल्टी को मद्देनजर रखते हुए कुछ एक जगह पर पोल चल रहा है स्टिल, जो टेंटेटिव फिगर्स है उसके साथ आपके सामने आए। जैसे मैंने कहा कि ये फिगर्स टेंटेटिव है, मतलब कुछ एक जगह पर पोल अभी भी चल रहा है, रियासी में, राजौरी में, पुंछ में, इंक्लूडिंग यहाँ की जो हमारी हजरतबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है श्रीनगर की, उसके भी कुछ एक पोलिंग स्टेशन में 6:30 बजे तक, 6:30 पौने 7 बजे तक पोल चल रहा था जब से मैं निकला हूँ वहां से। जो 2022 में डिलिमिटेशन हुआ जिससे चलते कि असेंबली का नाम भले ही सेम रहा होगा लेकिन उसका नक्शा जो है बहुत सारे असेंबली में अलग रहा है, उससे चलते जो कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव का मतलब इतना ही है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, उसमें एग्जैक्ट नेस जो है आप मत एक्सपेक्ट कर लीजिए और आप भी जानते हैं वो लाना मुश्किल है, लेकिन एग्जैक्टनेस आ जाएगा जो हमारा लोकसभा इलेक्शंस अभी रिसेंटली हुआ है उसमें, जिसमें कि सेम असेंबली सेगमेंट्स थे, भले ही पार्लियामेंट के लिए रिजल्ट्स बना था लेकिन सेम असेंबली सेगमेंट्स, टेरिटोरियल एक्सटेंट सेम था। तो लेटेस्ट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं उसके साथ जो है आप एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हैं। लेटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो अप्रैल मई में हुए, 2 एक्सक्लूसिव और 1/2 फेज जो वैली का हुआ था, और आज जो फेज हुआ है उसको, उन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स को, तो लोकसभा में इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में पोल परसेंटेज 52.17% रहा था, और अभी जो है असेंबली का इन 6 जिलों की जो 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनका मैं मिजान करूं तो ये 56.05 जाता है। ये टेंटेटिव है, इसमें कुछ एक फ्रैक्शनल अपवर्ड रिविजन हो सकता है। टोटल प्रोसेस को ऑनरेबल कमीशन की साइड से ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजू कुमार, उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर श्री गणेश कुमार जी और डॉक्टर एसएस संधु, उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया, सुपरवाइज किया और गाइड किया। 100% पोलिंग स्टेशंस में सीसीटीवी लेस वेबकास्टिंग हुई थी और वेबकास्टिंग की फीड ना सिर्फ डीओ लेवल, सीओ लेवल, बल्कि इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेवल पर भी दी गई थी। वहां से भी कमीशन और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स है उन्होंने हर एक पोलिंग स्टेशंस में जो गतिविधियां हो रही है उस पर भी निगरानी रखी और जहां जहां जरूरी लगा वहां वहां हमें इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल करवाए। ओवरऑल सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में ये पोल पीसफुल तरीके से हुआ। डेफिनेटली कुछ एक इंस्टांसेस है, मैं एग्री करता हूँ, जहाँ कैंडिडेट या कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट्स ने हमारी पोल पार्टीज या कहीं CFPs के साथ कुछ उनके साथ बात हुई, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं रहा कि जिससे चलते कि मुझे किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अब तक के हिसाब से कोई रिपोर्ट्स या उसका अंदेशा नहीं कि रिपोल करने की जरूरत पड़े। ओवरऑल जो 3502 पोलिंग स्टेशन रहे, 3502 पोलिंग स्टेशन में कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं रहा कि जहां मान लीजिए सिंगल डिजिट्स में पोल हुआ है, हर एक पोलिंग स्टेशन में जो है बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया और कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं रहा कि जहां मान लीजिए कोई पोल नहीं हुआ, नील पोल परसेंटेज रहा वाला कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है। श्रीनगर खास करके जो पूरे यूनियन टेरिटरी की एक कैपिटल है और इस सिटी में जो लोकसभा इलेक्शंस के दरमियान जो पोल परसेंटेज रहा था उसको भी हमने जो है तकरीबन 5% से क्रॉस किया हुआ दिखता है। 24.83% जो है श्रीनगर में लोकसभा के दरमियान पोल हुआ था, जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन से हायर था
उसको जो है असेंबली इलेक्शंस में अभी जो आज जो हुआ उसमें हमने तकरीबन 5% से क्रॉस किया है। हाईएस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें तो इसमें माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कटरा जिसमें हाईएस्ट पोल परसेंटेज रहा है तकरीबन 80% के करीब 79.95%, और कुछ एक पोलिंग स्टेशन में अभी भी पोल चल रहा था। जहां तक रहा डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में रियासी डिस्ट्रिक्ट जिसमें 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें अब तक का हाईएस्ट पोल परसेंटेज रहा है 74.14, पुंछ में सेकंड हाईएस्ट 73.78, राजौरी 69.85, गांधरबल में 62.63, 61.31 बडगाम में, और श्रीनगर में जो है 29.24, जिसमें कुछ एक पोलिंग स्टेशन पर अभी भी पोल चल रहा है और पोस्टल बैलेट एज वेल एज माइग्रेंट के पोलिंग स्टेशंस पर जो 12C के तहत जो पोस्टल बैलेट के जरिए से वोटिंग होती है वो काउंटिंग के दिन तक भी पोस्ट से वापस आती है, वो काउंट से इसमें पकड़ा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ओवरऑल पोल पीसफुल रहा, इस पोल को कंडक्ट करने में मोर देन 15,000 से ज़्यादा पोल कर्मी लगे थे जिन्होंने प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग ऑफिसर्स के तौर पर काम किया, सेक्टर ऑफिसर सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के तौर पर, CAPF और पुलिस के जवानों ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अहम रोल अदा किया है। 6 बजे तक का जो टेंटेटिव परसेंटेज है मैं AC वाइज फिगर्स काउंट करता हूँ, कंगन 71.89, गांधरबल 56.97, हजरतबल 30.69, खानियार 26.07, हबाकदल 18.39, लालचौक 32.11, चांदपुरा 29.35, जड़ीबल 30.73, ईदगाह 36.93, शालटेंग सेंट्रल शालटेंग 31.07, बड़गाम 51.13, पीरवा 63.31, खान साहब 71.66, चरारे शरीफ 67.44, चाडूरा 55.25, गुलाबगढ़ 73.49, रियासी 71%, श्री माता वैष्णो देवी कटरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 79.95, कालाकोट सुंदरबनी 68.71, नवसेरा 72, राजौरी 70.64, बुद्धल 68.58, थाना मंडी 69.66, सोरनकोट 75.11, पुंछ हवेली 74.92 और मेंडर 71.08। तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा 25.78 लाख इलेक्टर्स इसमें इस फेज में वोटिंग के लिए एलिजिबल थे, और उसमें से जो है अब तक के फिगर के हिसाब से 56.79% लोगों ने जो है वोटिंग की, और अभी भी जो है कुछ एक जगह पर वोटिंग चल रही है। ओवरऑल पोल पीसफुल रहा, और आप मीडिया के साथियों को भी कहीं कहीं डिफिकल्टी आई, आप में से कुछ एक लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताए भी कहीं आपको कवरेज करने में या कुछ एक डिफिकल्टीज आई ज़रूर। मैं पोल पार्टी की साइड से डेफिनेटली उसकी आपको ये मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि पोल पार्टीज वो रहती है कि जिनको पोलिंग कंडक्ट करने के लिए वहाँ भेजा जाता है, ट्रेनिंग तो हम देते हैं लेकिन स्टिल जो है कहीं कहीं आपको कहीं अगर डिफिकल्टीज आई होगी। जहाँ तक इसमें डेलीगेट्स की बात है, डेलीगेट्स भी 4-5 जगह पर पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने विजिट्स की और जो पीसफुल पोल चल रहा था उसको भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बयां किया, और जो हमारे अफसर्स थे उन्होंने ओवरऑल प्रोसेस भी उनको एक्सप्लेन की कि स्टैटूटरली क्या क्या प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या क्या उसमें स्ट्रक्चरल ये रहती है, अरेंजमेंट्स रहती है, और कैसे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से पोल को कंडक्ट ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके अंडर में सभी ऑफिसर्स नॉट ओनली CO DO बल्कि सभी पोलिंग स्टाफ भी इंश्योर करता है।
और डेलीगेट्स हमारा जो फीडबैक था, जो हमने एक्सप्लेनेशंस उनको दिए, उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा, ओवरऑल वो सेटिस्फैक्टरी थे। शुक्रिया, थैंक यू। मैं ब्रॉडली आपको बता दूं, बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं आ गई, आप अगर डिटेल में जाएंगे तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया जो है सेम नहीं रहा है। नॉट इवन अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी होगी कि जो 2014 में पोलिंग स्टेशन जो आते थे और आज 2024 में जो पोलिंग स्टेशन आते हैं। ओवरऑल हर एक जिले में जो पोल परसेंटेज ठीक रहा है, श्रीनगर में डेफिनेटली आपत्ति रहती है, लेकिन स्टिल जो लोकसभा इलेक्शंस और लास्ट जो इलेक्शंस हुए उससे बेटर पोल परसेंटेज रहा है। ये फिगर्स टेंटेटिव है, अपडेटेड फिगर्स जो है आपको 12:45 के करीब एग्जैक्ट मिलेंगे। 12:45 के करीब हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल के फिगर्स रहते हैं, 12:45 बजे में मिलेंगे। और कल जब स्क्रूटिनी होगी, स्क्रूटिनी के बाद भी उसमें रिविजन्स होता है, करेक्शंस होता है, मोस्टली अपवर्ड रिविजन देखा गया है फेज वन में भी। उसी तरीके से कल जो है, कल 12:45 के करीब जो है आपको एंड ऑफ पोल के फिगर्स मिलेंगे। एंड ऑफ पोल के फिगर्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं जो आप ईवीएम्स काउंटिंग के बाद फिगर्स आता है। सर, ये जो डेलीगेट्स की आपने बात की, एक मेरा ये सवाल है कि हफ्तगल में 2014 में जो पोल परसेंटेज रही थी वो 21.01 रही थी, बट 2024 में 18.39 जो टेंटेटिव आपने दिया, ये जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसमें इजाफा होगा तो कम देखने को मिल रहा है, एक ये। दूसरा, ये जो आपने फॉरेन डेलीगेट्स की बात की, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से यहाँ पे एक तो उन्हें पासिस नहीं अलाउ किए गए, जिससे फॉरेन जो जर्नलिस्ट से उनको यहाँ अलाउ नहीं किया गया कवरेज के लिए। नहीं, जहाँ तक आपकी बात है, हमें कोई ऐसी ग्रीवेंस नहीं आई। आप सब मीडिया के पास, मीडिया के साथियों को मोर देन 1500 से हमने ज़्यादा पासेस अवेलेबल करवाए थे। अगर आपसे अगर कोई ऐसे रूबरू होता फॉरेनर जर्नलिस्ट, डेफिनेटली हमें बताते। हमारे जो मीडिया के जो ज्वाइंट डायरेक्टर है आपके कॉन्टैक्ट्स में, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है, और उनको भी कोई अब तक ऐसा नहीं आया है। बशर्ते हमने उल्टा प्रयास किया, जो हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो डाटा रहता है फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं उनमें भी हमने चेक करने का।